हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी। ये सब्ज़ी होने वाली बहुत ही ज़्यादा सिंपल, घर के बेसिक मसालों के साथ ही आज हम इसको बनाएंगे। कोई भी स्पेशल मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और ये बनेगी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। इसे आप रोटी, पराठा या फिर दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। सब्ज़ी कोई भी हो, आप सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है प्लस हेल्दी भी होती है। सरसों के तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है जिससे इसकी कच्ची स्मेल निकल जाएगी। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, साथ ही ऐड कर देंगे 1 चुटकी हींग। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया था। टमाटर को ऑयल में ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड कर देंगे बहुत थोड़ा सा पानी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है, साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर हमने लाल मिर्च कलर के लिए यूज़ किया, ये बिल्कुल भी तीखी वाली मिर्च नहीं है। और अब हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देना है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें मसालों और टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं होने लग जाता। मसालों को ऐड करते समय आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है, इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और जब वो भुनेंगे तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मसालों से बहुत ही बढ़िया से ऑयल सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्च ली हैं जिनको मैंने कट कर लिया था। शिमला मिर्च को आप अपने अकॉर्डिंग मोटा छोटा जैसे मर्जी कट कर सकते हैं। अब शिमला मिर्च को हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है इनको, जिससे शिमला मिर्च का कच्चापन निकल जाएगा और बढ़िया से शिमला मिर्च भुन भी जाएंगी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च यूज़ नहीं की है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च हमारी बहुत ही बढ़िया से भुन चुकी हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू यूज़ किए हैं। आलू को शिमला मिर्च के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आलू और शिमला मिर्च बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया था। अगर आप प्याज खाते हैं तो इस तरह से डाल सकते हैं, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी यूज़ की है। और अब हमें सब्ज़ी को बहुत ही बढ़िया से भूननी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कच्चा प्याज यूज़ किया है और आलू भी हमने अभी ऐड किया था। तो दोनों ही चीज़ें हमारी बढ़िया से भुन जाएंगी 4 से 5 मिनट के अंदर। 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर सब्ज़ी को बढ़िया से भून लेना है। फ्रेंड्स, एक बार मेरे के तरीके से ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी ये बनकर तैयार होती है, बिना तामझाम, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के और बहुत ही कम समय में ये सब्ज़ी बन जाती है। तो अब हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे, पर आप ध्यान दीजिएगा बीच बीच में ना हमें इसको चलाते रहना है, जिससे हमारी सब्ज़ी के जो मसाले हैं या सब्ज़ी है वो जलेगी नहीं। लगभग यहाँ पर 4-5 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को भूनते हुए। आप देख सकते हैं जो हमारी प्याज है वो भी काफ़ी पहले से श्रिंक हो चुकी है और जो हमारे आलू हैं वो भी बढ़िया से भुन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है सब्ज़ी को हमें हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। और अब हम ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको करेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे रोटी, पराठा या दाल चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। इन्जॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।